गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कन्नौज के मोखरी वंश की उत्पत्ति एवं पतन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और आप इतिहास विषय की अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं मोखरी के कन्नौज वंश की उत्पत्ति एवं पतन। कन्नौज के मोखरी वंश की उत्पत्ति। मोखरियों की उत्पत्ति के बारे में हम में कहा जाता है कि मोखरी लोग पूर्व गुप्त युग के गंगा घाटी के गणराज्यों में से थे। प्राचीन भारत में कई मोखरी कुल हुए जो विभिन्न भागों में शासन करते थे। उनकी एक शाखा दक्षिणी बिहार तथा दूसरी गंगा यमुना दोआब, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, में शासन करती थी। कुषाणों के पतन के बाद इन दोनों शाखाओं ने अपनी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, परंतु गुप्तों की साम्राज्यवादी नीति ने पुनः उन्हें उधर में अधर में दखेल दिया। पुराणों तथा प्रारंभिक गुप्त लेखों में मोखरियों का उल्लेख न होना इस बात का सूचक है कि उनका कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। कनिंगम को गया से एक मुहर मिली है जिस पर मौर्यकालीन ब्राह्मी लिपि में मोखलिनम उत्कीर्ण है। इससे न केवल उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है, अपितु यह भी सूचित होता है कि लिच्छवी आदि जातियों से सम्मान मोखरियों का भी प्रारंभ में अपना स्वायत्तशासी गणराज्य था। कालांतर में उनकी इस व्यवस्था में परिवर्तन हो गया और परवर्ती गुप्तों के समय हम उन्हें राजतंत्र के रूप में संगठित पाते हैं। मोखरी लेखों तथा साहित्य ग्रंथों में मोखरी तथा मुखर शब्दों का प्रयोग मिलता है। हर्षचरित में उन्हें मुखर वंश तथा कादंबरी में मोखरी वंश कहा गया है। बराबर गुहा अभिलेख में आनंद वर्मा अपने कुल को मोखरीनाम कुलम कहता है। हरहा लेख में मोखरी राजाओं को मुखरा है क्षितिसाह कहा गया है। कैयट वामन तथा जयादित्य ने मोखरी शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि वस्तुतः यह एक पितृमूलक शब्द है। स्पष्ट है कि मुखर नामक आदि पुरुष की वे संतान थे, अतः मोखरी कहे गए। उनके लेखों में उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा गया है। हरहा लेख में बताया गया है कि मोखरी देव देवस्वत के वरदान से उत्पन्न अश्वपति के सौपुत्रों में से एक थे। मोखरी वंश का पतन। अवंती वर्मा का दूसरा पुत्र सुचंद्र वर्मा था। सुचंद्र वर्मा ग्रह वर्मा से छोटा था। हर्ष की मृत्यु के समय 647 ईस्वी के बाद सुचंद्र वर्मा मोखरी राज्य का शासक बना। सुचंद्र वर्मा आदित्य सेन का समकालीन शासक था। आदित्य सेन गुप्तोत्तर काल का शासक था। इन दोनों के बीच मैत्री संबंध थे। आर्य मंजूश्री मूलकल्प में ग्रह वर्मा के बाद सुव्रे नामक शासक का नाम मिलता है। यह सुव्रे सुचंद्र वर्मा ही था। यह कन्नौज के मोखरी वंश का अंतिम शासक था। इसने 664 ईस्वी तक राज्य किया। ठीक है, तो देखिएगा इस वीडियो में हमने मोखरी वंश की उत्पत्ति और मोखरी वंश का पतन के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार से आपको और भी वीडियो हमारे YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे मिलेंगे, तो बने रहें YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज पे।